गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो फाइनली हमारे इंडियन स्पाइक ड्राइविंग 3D में न्यू अपडेट आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो इस गेम में हमारे घर में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सीढ़ी लकड़ी की बना दी गई है जो कि पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, और इस गेम के ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा चेंज कर दी गई है। अब तो ये गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हीकल्स भी ऐड कर दिए गए हैं, और इस गेम में एक वेस्क्यूलेटर डायनासोर भी ऐड कर दिया गया है जिसका चीट कोड है 50-50। हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो गाइस मैं इस पर बैठ गया हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये काटेगा कैसे, चलेगा कैसे, ये तो काफी ज्यादा स्लो है। ये भाग नहीं पाता क्या? लगता है ये इसको भगाने का भाई। हाँ इसको भगाने का ही है। अरे ये अटक गया है पर, लेकिन इसको काटूं कैसे मैं? इसको पकड़ के काटना है मुझे। अरे यार ये काटने का ऑप्शन नहीं उतरने बैठने का था क्या? मुझे लगा ये काटने का है। इसके पास लेके चलता हूँ मैं। ये काटना भाई कैसे काटता है ये? अच्छा ये तो अपने आप काटता ही है, इसको काटता है लेकिन मरा क्यों नहीं है? अरे मरना भाई, ओ मर गया ये तो। मतलब हम डायनासोर को किसी भी NPC के पास लेके जाते हैं तो वो डायनासोर उसको अपने आप मार देता है। तो आप जल्दी से फोर्थ इंडेवर का भी चीट कोड देख लेते हैं। तो फोर्थ इंडेवर का चीट कोड है 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने फोर्थ इंडेवर कार आ गई है। हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। तो भाई साहब इसकी ब्रेक लाइट तो देखो कितनी मस्त असली जैसी लग रही है एकदम, और इसकी ग्राफिक्स तो अच्छी है मतलब। और स्टीयरिंग पर तो देखो यहाँ पर फोर्थ की जगह RGS लिखा हुआ है। और इस अपडेट में सारे व्हीकल्स और हमारा प्लेयर भी काफी ज्यादा स्लो हो गया है। अब हम टैंक का चीट कोड देखते हैं। अरे भाई ये ओडी कहाँ से आ रही है? तो टैंक का चीट कोड है 40-40। तो यहाँ पर रख देता हूँ। ओ भाई यहाँ पर तो भाई देखो है, ये इसके अंदर दरवाजा खोल के नहीं बटा, मतलब इसमें दरवाजा तो है ही नहीं। ये जो सामने से गाड़ी आ रही है वो कितनी बड़ी है, और हम इस साइड निशान लगा सकते हैं और टॉप को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें बम छोड़ने का ऑप्शन भी है। ये देखो गाइस यहाँ पर मैंने बम छोड़ा, ये तो मिसाइल का ही बम है। और ये टैंक तो एकदम मस्त है, मतलब इसकी एक एक चीज बारीकी से बनाई गई है। और इस गेम में हायाबुसा भी चेंज कर दी गई है जिसका चीट कोड तो 60,000 ही है। ये देखो इसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, अब तो ये पहले वाले से भी अच्छी लग रही है। और आपको पता है गाइस इस गेम में न्यू हाउस भी ऐड कर दिया गया है, वो भी एक नहीं दो ऑटो एक साथ। तो मैं आपको जल्दी से वो दो हाउस दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट है उसी के पास में न्यू हाउस ऐड कर दिया गया है, वो देखो गाइस सामने इतना बड़ा सा। तो हम जल्दी से चलते हैं। तो ये रहा गाइस हमारी न्यू हाउस बिल्डिंग की तरह बड़ी सी। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने न्यू हाउस में देखने के लिए अंदर। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, मैं किस साइड से चलूँ? इस साइड से चलता हूँ। क्या हम इसके अंदर भी जा सकते हैं? वो तो मैं देखता हूँ। ये नहीं है मेन गेट। अच्छा ये रहा यहाँ पर खुला हुआ है। ओ भाई ये तो पूरा सजा दे गया बेटो। यहाँ पर काले बिल्ली की फोटो, यहाँ पर कंप्यूटर बेड, यहाँ पर हिरन की फोटो भाई, और यहाँ पर भी। ओ यहाँ पर तो लॉकर है, मैं पैसे वैसे कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब मैं आपको दूसरा हाउस दिखाता हूँ जो कि इसी के पास में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बाहर से तो दिखने में। ये क्या हुआ? मैंने अपनी बाइक को उछाल दी। तो जल्दी से चलता हूँ मैं। वो रहा गाइस यहाँ पर जहाँ से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। ये देखो ये तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। हम इसको ऊपर चल कर देखते हैं कि हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो चलो यहाँ पर आए। यहाँ पर तो सारे गेट बंद है। इस साइड कुछ, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। इस साइड और एक बार चलते हैं। ओ भाई ये क्या है भाई, कलरफुल में तो भाई। आखिर क्या है, लिफ्ट है क्या? लिफ्ट ऊपर जाने का नहीं है। कितनी मस्त लग रही है ये तो कलरफुल में। एक बार मैं उस तरफ भी जाके देख लेता हूँ, अंदर जाने का रास्ता होगा तो इस बिल्डिंग में। शायद हम इसके अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई मुड़ना जल्दी, यहाँ पर से मुड़ ही नहीं रही यार, मैं ठोक गया यहाँ पर। इस तरफ भी कोई रास्ता नहीं है अंदर जाने का। चलो मुझे लगता है इसके अंदर जा ही नहीं सकते हम, तो नीचे चलते हैं। तो इस वाले अपडेट में बस यही चेंजेस किए गए और कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी किए गए जिसके बारे में मैं आपको जल्दी से वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो इस वाले अपडेट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय।